शब्द मत बोलो। अभी जो बोल रहे हैं एक बात बताओ, आपस में झगड़ा नहीं ना करोगे, सब एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का भाव रखोगे ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। बिहार के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, यानी कि अब एक क्लिक में मिलेगी जमीन की पूरी जानकारी। इससे आम लोगों को जमीन जायदाद की जानकारी के लिए आंचल और कार्यालय को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप बिहार से तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया अपडेट होने वाला है। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को देख लेते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं, तो वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए, क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है, क्या आपको लाभ मिलने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताने। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले में पेपर कटिंग दिखलाई दे रहा है, यानी जो भी जानकारी निकल कर एक पेपर कटिंग के माध्यम से निकल कर, यानी जो पेपर कटिंग जारी होता है 10 मार्च 2023 को पेपर कटिंग रिलीज किया गया था। यहाँ देख सकते हेड में जानकारी देगा, अब एक क्लिक पर मिलेगी जमीन की पूरी जानकारी है, ठीक है। जो भी जानकारी मिलेगी एक क्लिक में मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी, क्या अपडेट निकल कर रही, इसको पूरा पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। देख सकते बताया गया 15 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी जांच, 3.78 करोड़ जमाबंदी होगी डिजिटलाइज, ठीक है। हम जो भी जमाबंदी है डिजिटलाइज होकर दी जाएगी। देख सकते क्या जानकारी दिया गया है, वेबसाइट से मिल सकेगी जमीन का विवरण, जो भी इसको लेकर एक वेबसाइट बनाया जाएगा, जो कि राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा। देख सकते बताया गया इन जमाबंदी को डिजिटल हो जाने से आम लोगों का विभाग की वेबसाइट पर ही जमीन से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इससे जमीन के इतिहास का पूरा विवरण उपलब्ध होगा। जमाबंदी पंजीकरण में उपलब्ध सभी जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगी। बाद में विभाग की वेबसाइट पर इन सभी का अपलोड होने से आम लोगों को बहुत ही सहूलियत मिलेगी। अब इसको लेकर कब तक ये अपडेट आने शुरू कर दिया जाएगा, इसको डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। बताया गया देख सकते और माउस के एक क्लिक पर जमीन का इतिहास उपलब्ध होगा, ठीक है। यानी एक वेबसाइट बनाया जाएगा जो बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा, तो कि माउस जो एक क्लिक पर ही जमीन का इतिहास उपलब्ध हो जाएगा, और ये आप साथ मोबाइल से भी कर सकते हैं। बताया गया है राजस्व भूमि सुधार विभाग इसकी तैयारी कर रहा है, इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण है और इस साल यह सेवा ऑनलाइन शुरू होने की संभावना है, ठीक है। राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा ये कहा गया है, यानी इसकी तैयारी कर रहा है, इसकी प्रक्रिया जो है अंतिम चरण है और इस साल की यह ऑनलाइन सेवा जो उपलब्ध होने की संभावना है। बताया गया है इससे आम लोग को जमीन जायदाद की जानकारी के लिए आंचल कार्यालय को चक्कर नहीं लगाने होंगे और उनका समय की भी बचत होगी। जमीन विवाद में कभी कमी आएगी, यानी जो भी जमीन विवाद में झगड़ा वगैरह होता है वो कमी आ जाएगी, और साथ ही साथ देखते हैं जमीन विवाद में कमी आएगी, साथ ही साथ आंचल कार्यालय में भी काम का दबदबा भी और भीड़ भाड़ की कम होगी, ठीक है। जैसे ही सेवा शुरू कर दी जाएगी, जो भी यानी कि हम लोगों का इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। इससे हम लोगों को जमीन जायदाद की जानकारी को लेकर आंचल और कार्यालय जो जाते हैं चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे और उनके समय का भी बचत होगा, ताकि वो खुद से ही या मोबाइल फोन से ही देख सकेंगे किसी भी जमीन का। देख सकते जमीन विवाद में कमी भी आएगी, झगड़ा वगैरह होता है उसमें कमी भी आएगी, साथ ही साथ आंचल और कार्यालय में जो भी अधिकारी होता है उनको भी काम करने में थोड़ी आराम मिलेगी। बताया गया सरकार को जमीन की लगान भी ऑनलाइन मिल सके, यानी सरकार को जमीन भी ऑनलाइन मिल सकेगी। बताया गया देख सकते राज्य में इस समय करीब 3.78 करोड़ जमाबंदी को डिजिटलीकरण कर दिया गया है। अब इनको सत्यापन का काम चल रहा है, इनका सत्यापन करने के लिए डिजिटलीकरण किए गए हैं। जमाबंदी का मिलान जमाबंदी पंजीकरण से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में डिजिटल जमाबंदी की अशुद्धियां त्रुटियों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग ने पत्र लिखकर सभी अपर समाहर्ताओं को 15 अप्रैल तक ही समय सीमा दी है, ठीक है। जो भी राजस्व भूमि सुधार विभाग ने यानी इसको अशुद्धियों त्रुटियों को खत्म करने को काम किया जा रहा है, इसके लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग ने पत्र लिखकर यानी सभी को अपर समाहर्ताओं को 15 अप्रैल तक यानी समय सीमा दी है। बताया गया देख सकते क्या जानकारी दिया गया, पहले 31 मार्च तक पूरा होना था सत्यापन, और सूत्रों के अनुसार इनका पहले विभाग ने सभी 3.78 करोड़ डिजिटल जमाबंदी का सत्यापन का काम 31 मार्च 2023 तक पूरा करने का सभी अपर समाहर्ताओं को 9 दिसंबर 2022 को निर्देश जारी किया गया था। हालांकि सत्यापन का काम पूरा करने में अधिक समय लगने की संभावना के कारण विभाग ने 28 फरवरी को दिशा निर्देश जारी कर सभी समाहर्ताओं को 15 अप्रैल 2023 तक पूरा कराने को लेकर कहा है, ठीक है। यानी राजस्व भूमि सुधार विभाग ने 31 मार्च तक पूरा होने का सत्यापन यानी सत्यापन पूरा होने कहा था, लेकिन अधिक सत्यापन का यानी कि टाइम लग जाए, जो कि लास्ट डेट इसका रखा गया है, रख दिया गया 15 अप्रैल 2023 तक।
इसको लेकर जैसे ही यानी अपडेट ये यानी जैसे ही वेबसाइट बना दिया जाता है हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। और भी क्या जानकारी चाहिए अभी कमेंट कर दीजिएगा। ये पेपर कटिंग हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, पूछने भी लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते समय जैसे ही अपडेट यानी जैसे ही पोर्टल ये बन जाएगा तो बहुत से आम लोगों का फायदा होने वाला है, यानी खुद से अपने मोबाइल फोन से जो भी जमीन से रिलेटेड है जानकारी मिल सकेगी। चलिए वीडियो करते समय